बट यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या VBRO मेथड या फेक रिव्यूज से आपकी प्रोफाइल रैंक होती है, आपको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलें बहुत ही कम से कम ऑर्डर लगवाने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक हो जाए। एक ऑर्डर से किस तरह से अपनी फाइवर प्रोफाइल को रैंक किया जाता है और किस तरह से आप लोग रैंक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना रह हो जाए और आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान दानिश है। VBRO, फेक रिव्यूज़, फाइवर रिव्यूज़, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी और इसके बारे में सुना होगा कि किस तरह से लोग फेक रिव्यूज़ लगवाते हैं और किस तरह से अपनी प्रोफाइल को रैंक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग इसको सही नहीं कहते। ये टोटली एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको यूज़ करें या ना करें। बट यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या VBRO मेथड या फेक रिव्यूज़ से आपकी प्रोफाइल रैंक होती है, आपको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें बहुत ही कम से कम ऑर्डर लगवाने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक हो जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या VBRO मेथड वर्क करता है, क्या 2023 के अंदर VBRO या फिर फेक ऑर्डर्स, फेक रिव्यूज़ वर्क करते हैं फाइवर की रैंकिंग या फाइवर गिग रैंकिंग के अंदर। तो मेरा आंसर है इसके लिए जी हाँ, वर्क करते हैं और बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क करते हैं, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब बिल्कुल स्ट्रेट अवे मैंने दे दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो जल्दी से जल्दी रैंक हो और आपको पता हो कि आपकी प्रोफाइल रैंक हो रही है। नॉर्मली न्यूबीज या बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि प्रोफाइल बनाई, गिग लगाया, उसके बाद उन्होंने बस नेम सुना हुआ है कि ठीक है फेक रिव्यूज़ से प्रोफाइल रैंक होती है, तो वो फेक रिव्यूज़ लगवाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी प्रोफाइल वाकई ही रैंक हो रही है या नहीं हो रही, और उन्हें इसी चीज़ में वो कन्फ्यूज़ होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि कितने ऑर्डर्स उन्हें लगवाने हैं ताकि उनकी प्रोफाइल फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं और इसी तरह से सही तरह से वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें श्योरिटी ही नहीं होती कि जो स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल में वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो अब जो मैं अपना यहाँ पे पर्सनल मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं किस तरह से VBRO उसको यूज़ करता हूँ फाइवर प्रोफाइल या फाइवर गिग रैंकिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का कंसेप्ट समझना है कि ये फेक VBRO या रिव्यूज़ होते क्या हैं, ठीक है, अगर आप न्यूबी हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम फाइवर की नई प्रोफाइल बनाते हैं और हम किसी भी अपने फ्रेंड को या किसी भी पेड सेलर को, बायर को सॉरी, उसको पेमेंट कर देते हैं यहाँ से और उनसे कहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है आप फाइवर मेरी प्रोफाइल के ऊपर प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद आप उसको ऑर्डर डिलीवर करते हैं और उससे आपकी ऑलरेडी कमिटमेंट होती है कि आपने 5 स्टार ही देना है, तो वो आपको इन रिटर्न के अंदर 5 स्टार दे देता है। तो ये प्री प्लान्ड एक रिव्यू होता है जिसको हम फेक रिव्यू या VBRO वेरी वेरी रियल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट आप लोगों ने किस तरह से करने हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी गिग के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है और जो आप गिग लगा रहे हो मेक श्योर कि वो आप एक कीवर्ड के अराउंड लगाओ। अब एक कीवर्ड से अराउंड लगाओ का क्या मतलब है, लेट्स सपोज आप एक गिग बना रहे हो वेबसाइट डिजाइनिंग के रेलिवेंट, तो आप लिखोगे लेट्स सपोज आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग। अब यहाँ पे जो आपका मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हो वो है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। इसी कीवर्ड को आप बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर, टैग्स के अंदर यूज कर लोगे, ठीक है। आपने इस कीवर्ड के अराउंड अपना गिग जो है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लिया। अब ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने सिंपल इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रोफाइल को मैक्सिमम
आवर्स के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल के ऊपर उसको लॉगिन करके रख लें कि लॉगिन ही तो है या ऑनलाइन ही तो है, ऐसा नहीं है। आपने बाकायदा एक लैपटॉप रखना है और उसके ऊपर आपने ऑटो रिफ्रेशर लगा के अपने प्रोफाइल को 24 घंटों के लिए ऑनलाइन रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल आपने फाइवर के ऊपर जाना है और अपना जो कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने फर्स्ट 20 पेजेस के अंदर अपनी गिग को देखना है कि कहीं पे वो शो हो रही है आपकी गिग। अगर हो रही है तो किस पेज के ऊपर हो रही है। लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी जो गिग है मेरी डिजायर्ड कीवर्ड के ऊपर 10th पेज के ऊपर शो हो रही है। अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो गिग है वो 10th पेज के ऊपर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहला रिव्यू लगवाऊंगा और फिर मैं वापस ट्रैक करूँगा अपनी गिग को कि वो 10th जो पेज है उससे कहीं आगे आई है 9th पेज पे 8th पेज पे या नहीं आई। तो इस तरह से मैं फिर वन बाय स्टेप ऑर्डर्स लगवाता जाऊँगा और मेरी गिग जो है वो 10th पेज से जंप करती जाएगी 8th पेज पे 7th पेज पे 3rd पेज के ऊपर 2nd पेज के ऊपर और फाइनली 1st पेज के ऊपर। तो इस तरह से आपको खुद पता लग रहा होता है कि आप VVROs लगवा रहे हैं तो वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और आपकी गिग जो है वो जंप कर रही है, जो कि ऐसा ही होता है। बस यहाँ पे जो की पॉइंट ये है कि आपको पता चलता रहता है कि आपकी गिग कितने ऑर्डर लगने पे कितनी पेजेस के ऊपर जंप की है। आपने 2 ऑर्डर लगवाए 10वें पेज से 7th पेज के ऊपर आ गई, ठीक है। फिर आपको एक और ऑर्डर रिक्वायर्ड है, एक और ऑर्डर लगवाने के बाद आपकी गिग 3rd या 4th पेज के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि ओके अब मेरी जो गिग है वो 1st पेज के ऊपर आ चुकी है, अब मुझे मजीद ऑर्डर्स लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और इसी तरह से इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका गिग जो है वो किस पेज के ऊपर है, किस जगह के ऊपर है, किस कीवर्ड के ऊपर है, तो आप ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट ना करें। इससे क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कि कितने रिव्यूज़ आपने लगाने, कहाँ पर आपकी गिग आ चुकी है और एक्चुअल में आप जिस तरह से रिव्यूज़ लगा रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इशू क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये है बिल्कुल राइट मेथड। स्क्रीन के ऊपर चल के मैं आप लोगों को मजीद थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें सिंपल, जैसे मैंने बताया हमारा एक कीवर्ड है जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। मैंने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी सर्विसेज आ गई और यहाँ पे मुझे अपना गिग लोकेट करना है। लेट्स सपोज अगर मैंने इसके ऊपर गिग बनाया है और यहाँ पे इन पहले 20 पेजेस के अंदर मुझे देखना है कि मेरा गिग किस पेज के ऊपर पड़ा है और फिर आपको उसको ट्रैक करते रहना है और उसके ऊपर ऑर्डर्स लगवाते रहना है। और जैसे ही आपका गिग जो है वो 1st-2nd पेज पे आना शुरू हो जाएगा आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही आप जो है वो गिग की जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो गिग हैं जी उसके ऊपर इंप्रेशन किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्लिक्स बढ़ रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, या एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वाला कीवर्ड जो है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, इसके ऊपर अगर 20th पेज के ऊपर 20 पेजेस के ऊपर हमारी गिग नहीं शो होती तो फिर हम क्या करें। पहली बात तो ये कि ऑप्टिमाइज इतना अच्छा करें कि वो शो हो। अगर नहीं होती तो डेफिनेटली आपको कोई और लो कम्पिटिटिव कीवर्ड ढूंढना चाहिए जिसके ऊपर डेफिनेटली आपकी जो गिग है वो पहले 20 पेजेस के अंदर लाजमी आनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर आप रैंक कर जाते हो लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर भी, फिर भी आपकी गिग जो है वो डिफरेंट और कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगी और आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स एंड मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करते हो, सेटिस्फाई करने के बाद उन्हें अच्छे वो आपको 5-star रिव्यूज़ देना शुरू कर देते हैं तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो ये थी सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मैंने अच्छे खासे प्रोफाइल्स रैंक की हैं और स्टिल कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ये सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता होगा कि कितने डॉलर्स का ऑर्डर लगवाना चाहिए हमें, कितने अमाउंट का ऑर्डर लगवाना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके निश के ऊपर। अगर आपका कम्पिटिटिव निश जो है वो लेस कम्पिटिटिव है तो फिर 5-10 डॉलर के लगवा सकते हैं। अगर हाई कम्पिटिटिव निश है तो फिर ऑब्वियसली आपको 50-100 डॉलर पे जाना चाहिए पर रिव्यू के ऊपर। बट नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ कि बेसिक आपको 10-15 डॉलर पे लाजमी आपका रिव्यू इतने का होना चाहिए। $5 वाला गेम अब चला गया, $5 के रिव्यू आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगवाने, उससे उल्टा आपकी प्रोफाइल वापस डी रैंक हो जाएगी और सस्पिशियस में चली जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी स्ट्रैटेजी
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा जो है वो ओवररेटेड किया हुआ है, बट ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। बस आपको इसी तरह से राइट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिला होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो मुझे कमेंट के अंदर ये भी बता दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि उस टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हैं कंप्लीट फाइवर अपवर्ड, इसके साथ साथ कोई स्किल भी नहीं है तो वर्डप्रेस शॉपिफाई सीखना चाह रहे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बिगनिंग से लेके एडवांस तक अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उनको देख के जाके सीख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।